द स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज नोन एज पी पी ई जहाँ पे भी ये टर्म आएगी इसका मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसको हमने दो एस्पेक्ट में देखना है एक इसका यूज और एक इसका सिग्निफिकेंस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज आ प्रकाशनरी स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और आपकी साउंडिंग में राइट right, लेफ्ट सामने पीछे जो लोग हैं उनको भी आपने प्रोटेक्ट करना है अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से ताकि लोगों को किसी किस्म का आपकी वजह से नुकसान ना हो या आपको खुद नुकसान ना हो नंबर टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज स्पेशाइज इक्विपमेंट वो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस आर इन्फेक्ट्रीश मटीरियल डेंजरस इन्फेक्टिशियस मटेरियल केमिकल से बचने के लिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट्स प्रिवेंट्स कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टिशियस एजेंट बाई क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन द पोटेंशली इन्फेक्टिशियस मटीरियल एंड पब्लिक हेल्थ प्रेक्टिशनर वो चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं उनसे बचने के लिए प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको हेड इंजरी होने का चांसिस है तो सर के ऊपर आपने कैप पहननी है जो कि सॉलिड किस्म की हो आपने मास्क पहनना है अगर केमिकल में आप डील कर रहे हैं अगर केमिकल में डील कर रहे हैं यू हैव टू वी ग्लव्स ऑन योर हैंड्स या इसके अलावा आपने शूज पहनने हैं तो प्रॉपर उनकी जो टो हो आगे वो हार्ड हो ताकि किसी किस्म की इंजरी ना हो सके तो इन चीज़ों का डे स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर नेक्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसमें किन चीज़ों के ऊपर हम लोग देखते हैं नंबर वन प्रोटेक्ट देयर हेल्थ के मेन मकसद हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट्स हेल्थ प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज हेल्थ प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज़ हेल्थ ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बहुत खूबसूरत बात है अपनी हेल्थ का ख्याल रखने जो लोग आपके साथ अटैच हैं उनका ख्याल रखें अपनी फैमिलीज़ का कम्युनिटी का फ्रेंड्स का सप्लायर का वेंडर का इन सब लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं अब ये वो लोग हैं जो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सब का ख्याल आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने से कर सकते हैं छोटी सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ़र्ज करें यहाँ पर कंटेनर से काम हो रहा है क्रेन से काम हो रहा है आगे अगर आप लोगों ने विजिबल लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई विजिबल मीन जो सही दूर से नजर आ जाए वो फ़र्ज़ करें कि आपको चाहिए डी स्टूडेंट्स येलो कलर की आपने अक्सर देखा होगा फॉरन कंट्रीज में येलो कलर की विजिबल उन्होंने सेफ्टी जैकेट्स पहनी होती हैं या अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो आप लाइफ जैकेट्स पहनते हैं ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको मुख्तफ किस्म के डेंजर से बचा सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन गॉन एप्रॉन्स कोवल्स शू कवर्स हेयर कवर्स रेस्परेटर मास्क गूगल्स और फेस शील्ड्स ग्लव्स ये मुख्तफ एग्जाम्पल्स हैं जिन सब को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर हम यूज करके अपनी हेल्थ को अपनी साउंडिंग्स के लोगों को काफी हद हाँ तक इन्फेक्टिशियस मटेरियल या किसी किस्म के इंजरी से बचा सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कीज टू वर्क प्लेस सेफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात है कि वर्क सेफ्टी के लिए बहुत की एलिमेंट है प्रोवाइड सप्लाइज फॉर हैंड हाइजीन आर रेस्ट रूम्स मस्ट हैव हॉट वाटर सोप पेपर टॉवल फॉर प्रॉपर हैंड वाशिंग हैंड सैनिटाइज़र ये बेसिकली क्या है ये वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए अगर ये चीज़ें होंगी अगर हाथ को आप वॉश कर रहे हैं हाट वाटर से जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे जैसे कि कोविड नाइन्टीन आपने देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी वेव रही है इसमें आप बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे अगर इनको लाइफ में अपनी हैबिट का हिस्सा बना लिया जाए तो काफ़ी हद तक आप काफ़ी इन्फेक्टिश डिजीज से बच सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन वर्क प्लेस की अगर आगे हम बात करें एक् इन फॉर्म स्टॉफ ऑफ़ दाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन दर्क प्लेस एंड वेयर दे आर लोकेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट्स कहाँ पर पड़े हुए हैं कहाँ आप उनको यूज़ करेंगे कहाँ वेस्ट करेंगे फर्ज करेंगे और ग्लव टाइम यूज़ किए जाते हैं बाद उनको डंप कर दिया जाता है या वेस्ट कर दिया जाता है कुछ ग्लव्स ऐसे हैं जिनको परमानेंट बेसिस पर यूज़ किया जाता है और वो ग्लव्स कहाँ से मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ हमने हैंग किए हुए हैं अगर आप लोगों ने शर्ट्स या ट्रोजर चेंज करके कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं उसके बाद आपने दोबारा अपने वो पहले वाले क्लॉथ पहनने हैं तो ये सारी चीजें वेल डिफाइन होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उसका इलम होता है और लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं अ पॉलिसी शुड बी डिवाइज टू ट्रैक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज वेन टू रिप्लेस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सप्लाई एंड हाउ टू प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खत्म हो गई हैं तो आपने नए कहां से मंगवाने हैं नए कहाँ से मंगवाने हैं कहाँ यूज़ करने हैं यूज अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं कहाँ डंप करने हैं अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो यूज़ एंड सिग्नीफिकेंस या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का जो मकसद है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ुलफिल करने में कामयाब हो जाएंगे